top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. उसके प्रोन्नय 40 से ज्यादा भाषाओं में राष्ट्रीय पुस्तक व्यास के प्रकाशनों, उसकी प्रेरणा, दूसरी विभिन्न गतिविधियां जिनके द्वारा देश के कोने कोने में दूर दराज कर और इतना ही नहीं विश्व में उन बड़े पुस्तक मेलों के माध्यम से भारतीय ज्ञान संपदा का प्रचार प्रसार और उसकी रचना जिस काम में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पिछले 60 वर्षों से लगा है वो बहुत बृहद रूप में आप सबको देखने को मिलेगी। वो बड़ी रोमांचक यात्रा है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की, मैं इसे ज्ञान यात्रा कह रहा हूँ। इस ज्ञान के साथ हम लोगों का जो प्रवाह है जो ऋग्वेद काल से प्रारंभ हुआ, यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व में मानव जाति की प्रथम पुस्तकों में माना है, ऐसी जो ज्ञान परंपरा ज्ञान यात्रा प्रारंभ हुई राष्ट्रीय पुस्तक न्यास उस ज्ञान यात्रा का एक छोटा घटक है। आप 60 वर्ष के मंडप में देख सकते हैं। इस बार मेले की थीम मानसी रखी गई है। भारत में वेद काल से स्त्री ऋषियों की लंबी और सुदीर्घ परंपरा जो आज भी हमारी नई नई वेदिकाओं के रूप में जिसकी प्रतिनिधि आदरणीय प्रतिभाजी हमारे बीच में मौजूद है, किस प्रकार से उस विद्वता को हमारे इस देश में भारतीय स्त्रियों ने महिलाओं ने उसे आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय पुस्तक व्यास वर्ष भर पुस्तक प्रकाशन पुस्तक प्रवर्तन के माध्यम से देश को देश के हमारा जो युवा वर्ग है उसको छात्र छात्राओं को नॉलेजफुल बनाने के लिए आप सबके सहयोग से जो विभिन्न उपक्रम करता है उसका संक्षिप्त प्रदर्शन इस विश्व पुस्तक मेले में है। एक दो चीजें मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। हमने इस वर्ष में एक वीर गाथा सीरीज शुरू की जो भारत के परमवीर चक्र विजेता हैं की उनको लेकर हमने 5 पुस्तकें अभी पहली सीरीज में प्रकाशित की हैं, 3 पुस्तकें हमारी प्रकाशनाधीन हैं और बाकी 21 परमवीर चक्र विजेताओं के उस शौर्य को उस बलिदान को हम अपने बच्चों के सामने नई पीढ़ी के सामने लाना चाहते हैं जिससे प्रेरणा पाकर वो देशभक्त बने और भारत